जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, मैं मनोज आर के कृदा फाउंडेशन से। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, आपके प्रियजन अच्छे होंगे। आज हमने सोचा वानरों को भोजन करा जाए, और कहाँ पर? वृंदावन और बरसाना। तो हम निकल पड़े बरसाने की ओर। हम बरसाने पहुँचे पहले लाडली जी के महल, वहाँ पर जाके हमने मंगला आरती ली। मंगला आरती में बड़ा अच्छा लगा, मंगला आरती लेने में। फिर आरती देने के बाद फिर हमने क्या कर, मंगला आरती के बाद बाहर जो हॉल है वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ वानर दिखाई दिए, जिनको हमने भोजन कराया। अगर आप वृंदावन के वानर से बरसाने के वानर को कंपेयर करते हैं ना, तो वृंदावन के वानर थोड़ा ज़्यादा चतुर हैं। ये बेचारे सीधे होते हैं, इतने चतुर नहीं होते। बरसाने के बंदर नहीं आपसे चश्मा छीनेंगे, कैप नहीं छीनेंगे, पर्स नहीं छीनेंगे, कुछ नहीं। बट वृंदावन के वानर जो होते हैं वो आपसे सारी चीज़ें छीन लेंगे, क्योंकि उनको फ्रूट ही चाहिए। से निकले वृंदावन की ओर, और वृंदावन पहुंच के हमने पहले शुरू किया वानरों को भोजन कराना। जितने भी बंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, उनकी तो सबको हमने भोजन कराना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर दिखाई दे रहे होंगे। हम भोजन करा रहे हैं हमारे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे बंदरों को। लड़ाई भी चलती है, इधर के बंदर उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ के बंदर इस तरफ नहीं आएंगे, तो हमें उधर जाके उन बंदरों को भोजन कराना पड़ेगा। उसके बाद हम बांके बिहारी मंदिर के लिए हमने निकले। वहाँ से निकलने के बाद जब हम रास्ते में जा रहे थे, हमें कुछ बंदर दिखाई दिया। देखिए, ये एक आपको अनोखा सीन दिखाई देगा। यहाँ पे पहली बार देखो, कुत्ता और बंदर आमने सामने बैठे हुए और कुछ नहीं हो रहा। ये सामने अंकल जी जो है, इनका अभी बंदर चश्मा ले गया। अब अंकल जी परेशान है कि अपने चश्मे को कैसे वापस लिया जाए बंदर से। पहुंच गए बांके बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी।
गए, दरवाजे खुले, हम अंदर गए और प्रस्थान किया और मैं आपके बाकी प्यारे जी के पूरे अच्छे तरीके से दर्शन कराऊंगा और आप लोगों को भी देख कर बड़ा अच्छा लगेगा। समय फूल बंगला बनता है उस समय बिहारी जी अपने गर्भगृह में नहीं होते, वो बाहर की ओर होते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम अंदर बाहर की ओर निकले, बहुत भीड़ थी अंदर। बाहर आने के बाद जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा भतीजा है ऋतिक, मेरी सिस्टर छोटी, ये मेरी मम्मी है। देखिए कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं यहाँ पे। आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं।